हम हैं पंजाब में और इधर देख सकते हो ये है भाई पूरा पंजाब है। और हम मेरे सामने एक बहुत ही प्यारा मंदिर है, क्या नाम है, वैष्णो धाम मंदिर है, आ गई है और मैं अभी आपके लिए दिखाता हूँ चल के और उसका पूरा व्यू यार। गाइस साहब ये देखिएगा, ये पंजाब का होशियारपुर का मंदिर है जो अमृतसर से 10-15 किलोमीटर दूर है। देख सकते हो सामने भोले शंकर जी की मूर्ति लगी हुई है, बहुत ही प्यारी मूर्ति लग रही है, काफ़ी बड़ा मंदिर है भाई। ऐसा मंदिर यार मैंने अपने बदायूं जिला में भी नहीं देखा है, इतना प्यारा मंदिर। और इसमें लाइटिंग भी बहुत ही प्यारी लगी हुई है। और मैं अंदर चला गया ना, आपके लिए पूरा व्यू दिखाऊंगा, हर चीज़ दिखाऊंगा। और इसमें ना एक पौधे लगे हुए हैं, यानी कि एक बोल गिलो है क्या है, एलोवेरा है शायद, उस पर ना हर यानी कि जो जिनकी गर्लफ्रेंड है उनका नाम लिखा हुआ है उन पत्तों पे, वो भी मैं आगे चल के दिखाऊंगा। और ये थोड़ी सामने देख सकते हो भोले शंकर जी की मूर्ति कितनी प्यारी लग रही है, देखिएगा। और पहाड़ देख सकते हो आप सामने, ये बने हुए हैं, लाइटिंग कितनी प्यारी हो रही है इस पर, देखिएगा। मैं आपके लिए पूरा जूम से दिखा रहा हूँ भाई, सपोर्ट करना यार और वीडियो को पूरा देखना, तभी आपके लिए एंजॉय आएगा। और भाई ये रात का समय है काफी, और ये देख सकते हो सामने एक मंदिर बना हुआ है, कितना प्यारा लग रहा है भाई। ये देख सकते हो ये पत्थर हैं सामने, ये देखिएगा। ये बोलते हैं कि नाम है राम के जमाने के पत्थर हैं यहाँ पे रखे हुए हैं, ये जब यहाँ युद्ध युद्ध होता है ऐसा कुछ बता रहे थे लोग तब के, ये पत्थर हैं बहुत ही काफ़ी पुराने पत्थर हैं ये। मैं चल रहा हूँ अंदर, पता है कैसा लग रहा है, यानी कि गुफा होती है बिल्कुल वैसा ही माहौल है भाई। ऐसा मंदिर मेरे बदायूं यानी कि हमारे बदायूं जिला में भी नहीं है, जो पंजाब के एक होशियारपुर में है। ये सब तो ये हैं मूर्ति लगी हुई है, बहुत ही प्यारी है, देख सकते हो आप। गंगा माता की मूर्ति है, देख सकते हो भाई। गाइस आप देख सकते हो इसमें पत्थर यार कितने रखे हुए हैं, एकदम बहुत ही प्यारा मंदिर है यार, बहुत ही अच्छा है, देख सकते हो कितने बड़े बड़े पत्थर हैं। और पत्थरों पे घास भी उग रही है, यानी कि पौधे हैं। चलो भैया आपके लिए पूरा डिटेल दिखाएगा और ऊपर भी जाएगा, ऊपर भी ये पूरा बना हुआ है भाई। और बहुत ही अच्छा लगा मुझे यहाँ आके, काफ़ी अच्छा लग रहा भाई। और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। और ये है होशियारपुर का मंदिर है, वैष्णो देवी धाम, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है होशियारपुर का। इधर लोग सेल्फियाँ ले रहे हैं और मैं चल रहा हूँ ऊपर, जो उसमें आ रहा था उस टाइम मंदिर जो मैंने दिखाया था, सबसे ऊंची टीली पे जाऊँगा, फिर आपके लिए पूरा व्यू दिखाएंगे यहाँ पर चल के, देखिएगा। हाँ गाइस हम आ चुके हैं ऊपर, ये जैसा सामने आप जीने दिख रहे हो इस पर भी चढ़ना, ऊपर ऊपर मंदिर है एक, ये है एक, पता नहीं क्या गुफा सी है क्या है, ये गया ऊपर, ऊपर आ गया गाइस। देखो मैं उधर नीचे था और इस टाइम मैं ऊपर आ चुका हूँ, देखिए गाइस मैं आ गया ऊपर। ये देखो गाइस जो जिसकी मैं बात कर रहा था ये है, इस पे ना गर्लफ्रेंड यानी कि लड़कियों के नाम लिखे हुए हैं इस पे, इस पत्ते पर पता दिख नहीं रहे रात में, हर एक पत्ते पर नाम लिखा हुआ है, ऐसा कोई पत्ता नहीं है जिस पर नाम नहीं लिखा हुआ हो। गिलोई है वो, एलोवेरा ही है, देख सकते हो इस पर दिख रहे होंगे आपके लिए शायद, ऐसा कोई पत्ता नहीं जिस पर नाम नहीं लिखा हुआ हो। उन्होंने अपने जीवन साथियों के नाम लिखे हुए हैं, पता नहीं क्यों लिखे हुए हैं, आप बता सकते हो मेरे लिए कमेंट करके कि इन्होंने क्यों नाम लिखे हैं इस पर, क्या कारण है इसका। और ऊपर जा रहा हूँ मैं आपके लिए दिखाऊँगा पूरा ऊपर चल के मंदिर,
मेरे लिए यहाँ पे ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि मैं यार फोनागिरी में घूम रहा हूँ, ऐसा ही लग रहा है मेरे लिए, क्योंकि यहाँ पहाड़ से बने हुए हैं ये। और गाइस मैं सबसे ऊंचे वाले मंदिर पा गया हूँ, ये है सामने, देख सकते हो आप, दिखा रहा हूँ आपके लिए, यहाँ से ठीक से दिख नहीं पा रहा है यार। ऊपर चढ़ते हैं, दिखाते हैं भाई आपके लिए पूरा यार व्यू, चल के दिखाएंगे। यह है यहाँ पे पंडित जी बैठे हुए हैं, लोग दान पत्र है क्या क्या देखो लिख रहे हैं, पूरा हिसाब करता पंडित जी। यह है वैष्णो धाम मंदिर, इस पे लिखा हुआ दान पत्र पे, पढ़ सकते हो आप। वैष्णो देवी जी की मूर्ति लगी हुई है पीछे जो मैंने दिखाई थी आपके लिए, और वो है लोग जा रहे हैं हमारे साथी। देखिएगा भाई कितना बड़ा मंदिर है, बता सकते हो आप ऐसा है बताइए जिला में नहीं है ना, बहुत ही प्यारा मंदिर है भाई, बहुत ही अच्छा है यार। ये देखिएगा है, लग रहा है बिल्कुल पूर्णागिरी जैसा नज़ारा लग रहा है मेरे लिए, देख सकते हो गाइस। और मैं बहुत काफ़ी ऊंचे पे हूँ भाई, अगर आप आओगे तो यार फिर मज़ा आएगा आपके लिए। और ये देख सकते हो पूरा पत्थरों के पहाड़ है, किस तरीके से बनाया है। और ये कोई पौधा है अशको वाला पौधा है, ये सामने लगा हुआ है, शायद हो सकता है उन्होंने कुछ मांगने के लिए करा हो, नाम फॉर्म लिखे हो। गाइस मैंने आपके लिए मंदिर का पूरा व्यू दिखाया है यार, और ये देख सकते हो ये कोई है लक्ष्मी की मूर्ति, इन्होंने समर्पित करी है इस मंदिर के लिए, पूरा डेडिकेटेड लिखा था। और हम चल रहे हैं भाई, काफ़ी बढ़िया नज़ारा है यार वैष्णो धाम मंदिर का, काफ़ी अच्छा लगा मुझे यहाँ के, बहुत ही प्यारा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो यार वीडियो को यार लाइक करना भाई, सपोर्ट करना यार सल्लू बिल्सी चैनल के लिए। यार कुछ नहीं है, बस जाना है यार, और रेड कलर हटाना है, ब्लैक करना है भाई सब्सक्राइब, इतना काम करना है सिर्फ आपके लिए भाई, सभी लोगों के लिए। देख सकते हो ये पत्थर हैं, यानी कि पत्थर पे यानी कि वो जमी हुई है घास, पौधे आ गए हैं, काफ़ी पुराने हैं। और काफ़ी बढ़िया बढ़िया मूर्ति लगी हुई है यहाँ पे। और भाई वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को यार सपोर्ट करना, और सल्लू बिल्सी चैनल के लिए सब्सक्राइब करना, मिलते हैं ऐसी जोरदार वीडियो पे।